है। जयपुर से अब खबर है जहां भट्टा बस्ती में आग लगने से हड़कंप मच गया। बिल्डिंग में आग लगने से ही यहां अफरा तफरी मच गई। अब तक 25 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है लेकिन अभी भी कई लोग अंदर फंसे हैं। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची है। दमकल से आग पर काबू किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर लगातार जारी है। अभी भी कई लोग अंदर फंसे हुए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको जयपुर से बता रहे हैं। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर यहां पहुंची है। दमकल से प्रयास किए जा रहे हैं लगातार आग पर काबू पाने के। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल आप देख पा रहे हैं। जिस तरीके से धुआं दिखाई दे रहा है, अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी भयानक आग लगी होगी। कई लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं और बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी यहां पर मच गई। आसपास के लोगों की भीड़ भी यहां इकट्ठा हो गई। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर की भट्टा बस्ती में ये आग लगी है और आग लगने के बाद हड़कंप यहां पर मच गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। धुएं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयंकर होगी, कितनी भयानक होगी। फिलहाल पुलिस मौजूद है वहां पर, सिविल डिफेंस की टीम मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, पूरी अपडेट दें। देखिए मनीषा, भट्टा बस्ती के सब्जी मंडी की पूरी घटना है। अचानक से जो चार मंजिला जो मकान है, बिल्डिंग है, इसमें अचानक से धुआं निकलने लगा। जैसे धुआं निकलने लगा तो यहाँ आसपास के जो लोग मौजूद थे, पूरी भीड़भाड़ इकट्ठी हो गई और दहशत का माहौल है जो यहाँ पर खड़ा हो गया। क्योंकि चार मंजिला इमारत से सटे हुए कई इमारतें और है और कई मकान भी है, ऐसे में लाजमी है दहशत पैदा होना। और इसी के चलते मकान के अंदर से जो लोगों के जो निकलने की और चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। इसके बाद स्थानीय पुलिस की टीम को यहां पर सूचना दी गई। भट्टा बस्ती इलाका पड़ता है पूरा, और भट्टा बस्ती थाना पुलिस को सूचना देने के बाद फायर कर्मियों को भी यहां पर सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद दमकल और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो मौके पर पहुंची हैं। और इसके बाद जिस प्रकार से चार मंजिला इमारत थी, तो आग लगने के बाद यहां पर उसमें करीब 2 दर्जन से ज्यादा जो लोग थे वो इसके अंदर फंसे हुए थे। मगर पुलिस की जो टीम है और बाद में सिविल डिफेंस की जो टीम है उसको मौके पे बुलाया गया, तो सिविल डिफेंस की टीम की सहायता से पुलिस की टीम ने यहाँ पर जो मकान के अंदर जो लोग फंसे हुए थे, करीब 2 दर्जन लोगों को बाहर निकाला, शायद कुशल बाहर निकाला। उसके बाद भी कुछ लोग थे जो कमरों में फंसे हुए, क्योंकि 4 मंजिल इमारत है और उसमें दर्जनों कमरे बने हुए हैं, तो ऐसे में आग की जो लपटें थी वो बाहर तो नहीं आ पाई लेकिन अंदर दम घुट रहा था धुएं के चलते। तो ऐसे में यहाँ पर बड़ी मुस्तैदी से जो सिविल डिफेंस की जो टीम के जो जवान थे, उन लोगों ने वहां से जो फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला है। और उसके बाद आग पर काबू पाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर दमकल कर्मियों की ओर से किया जा रहा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान करीब 30 से ज्यादा जो लोग हैं उनको सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, जो हमारे पास अभी इनपुट आया है। और जो बाकी जो लोग हैं उनकी यहाँ पर तलाश की जा रही है कि जिन कमरों के अंदर भीषण जो आग लगी है, क्या उसके अंदर भी कोई लोग फंसे हैं। इन सब चीजों के बारे में कहना है फिलहाल लाजमी होगा। लेकिन इस आग ने जो पुलिस पर जो सवाल उठाए थे, जो दमकल कर्मियों पर सवाल उठाए थे, वो कहीं ना कहीं उससे सबसे पर्दा उठ चुका है। क्योंकि समय रहते यहाँ पर महज 5 मिनट के भीतर दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पे पहुंच गई है, सिविल डिफेंस की टीमें मौके पे पहुंच गई है। एंड कितनी अलर्ट है यहाँ पर दमकल कर्मी और जो सिविल डिफेंस के जवान की, जब भी ऐसी कोई सूचना आती है उसके बाद किस कदर वो मुस्तैदी दिखाते हुए करते हैं, यही कुछ देखने को मिला है। फिलहाल यहाँ पर करीब करीब आग पर काबू पा लिया गया है और किसी भी तरीके से यहाँ पर किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं है। लेकिन मुख्य बात यह है कि 4 मंजिला जो मकान है, इस मकान के अंदर अचानक से आग कैसे लग गई, इन सब चीजों का पता है फिलहाल लगाया जाएगा। लेकिन आग से जो मकान के अंदर जो सामान था, जो भी गृहस्थी का जो सामान जुड़ा हुआ था, रखा हुआ था, वह पूरा जो सामान है जल करके खाक हो गया है। हालांकि जो इंट्रोगेशन जो हुई है, जो माफ कीजिएगा, जो जांच पड़ताल हुई है, और जांच पड़ताल के अंदर ये बात सामने आई कि शॉर्ट सर्किट हुआ है अचानक से, और शॉर्ट सर्किट हो जाने के बाद अचानक से ये आग है
वो फैली है जी। अंदर से पूरा मकान पैक था, सेट पैक, हालांकि इस मकान के अंदर नहीं थे, तो ऐसे में दम घुटना और धुएं के चलते लगातार आग का फैलना लाजमी था और यही कुछ देखने को मिला है। बहरहाल चीजें स्थिति को फिलहाल दमकल कर्मियों ने यहाँ पर कंट्रोल में पा लिया है और लोगों को यहाँ पर सकुशल बाहर निकाल लिया है। जी यादवेंद्र, जितने भी लोग थे सबको बाहर निकाला जा चुका है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर सभी लोगों को मकान के अंदर से अभी तक जो इनपुट मिला है उससे ये बात साबित हो गई है कि जितने जो लोग फंसे हुए थे उन सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। इस घटनाक्रम में, इस आग में किसी भी तरह का कोई युवक या कोई बच्चा वो हताहत नहीं हुआ है। हालांकि इस मकान के अंदर जब आग लगी थी करीब 30 से 35 लोग थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी, बुजुर्ग लोग भी शामिल थे, क्योंकि पूरा 4 मंजिला मकान है। लेकिन जैसे ही आग लगी उनको त्वरित गति से यहाँ पर जो सिविल डिफेंस के जवान आए थे, पुलिसकर्मी मौके पे पहुंचे थे और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां मौके पे पहुंची, तुरंत इन सबको बाहर निकाल लिया गया है। सब्जी मंडी के पास का इलाका है, पूरे इलाके के अंदर दहशत का माहौल है। आसपास के जो मकान जो बने हुए थे उनमें से भी लोग है बाहर निकल करके आ गए, क्योंकि सब लोगों को डर सता रहा है कि कहीं जो आग है वो दूसरे मकानों को अपनी चपेट में ना ले। ऐसे में सभी लोग बाहर निकल करके आ गए, लेकिन यहाँ पर फायर कर्मियों ने फिलहाल आग पर कंट्रोल पा लिया है, स्थिति को कंट्रोल में है। किसी भी तरह के हताहत या जान की जो नुकसान की जो आशंका जो व्यक्त की जाती है वो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया यादवेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो 30 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जितने भी लोग फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाल लिया है ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, आपको बता रहे हैं। फिलहाल वहां पर टीम मौजूद है सिविल डिफेंस की और आग पर भी काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है।